साइन इन आया हुआ है, न्यूज़ आया हुआ है, बीबीसी, ये लोगो। अब सबसे पहले हम कासिम ना इसको नैव बार को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? भाई ये रिकॉर्ड कर लें। ठीक रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है अभी ना। है हाँ, इसमें देखो अभी हमारे पास ऊपर बीबीसी का ना वो आना चाहिए, आइकॉन आना चाहिए। तो मैं इसको ठीक करता है हूँ इमेज बीबीसी, बीबीसी लोगो। इसमें जाता हूँ मैं पीएनजी में, और मैं कहता हूँ ये मेरा बीबीसी का लोगो आ गया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर में, बीबीसी। ठीक हो गया। अब हमारे ठीक है पास आगे साइन इन के साथ ना एक वो रेडार टाइप बटन बना हुआ है, रेडार बना हुआ है ना साइन इन के साथ जी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अब वो रेडार भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, रेडार। इसके अंदर कौन सा रडार लगाया जा सकता है? कोई भी एक रडार हम देखते हैं, और बल्कि हम ना अभी SVG यूज़ करेंगे आइकॉन्स के ना। अभी मटेरियल्स डॉट रिसोर्सेज डॉट आइकॉन स्टाइल बेसलाइन, इधर मैं अभी देखता हूँ शायद रडार आ जाए। रेडियो, अरे रेडियो का बटन डाउन लगा देते हैं उसके अंदर, ठीक ठीक है है? उसके बाद बेल आइकॉन है, बेल निकालते हैं, बेल की तरह ये बेल, बेल को भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद न्यूज़ ये है, स्पोर्ट है, वेदर है, प्लेयर है, टीवी है, रेडियो है, मोर है। मोर के बाद एक छोटा सा एरो बना हुआ है डाउन का, डाउन एरो, इसको हम कहेंगे डाउन। ठीक डाउन ये देखो ड्रॉप डाउन निकला है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब सर्च के आगे सर्च वाला आइकॉन बना हुआ है, मूवी निकाल लेते हैं जैसे सर्च का आइकॉन की तरह ही है, सर्च का आइकॉन, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक यानी हमारे पास जो ऊपर टॉप पे मेन्यू के अंदर नैव बार के अंदर हमने जो चीज़ें डालनी हैं वो हमारी सारी की सारी इसके अंदर आ गई। ठीक अब हम वो क्या करेंगे, हम वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने से पहले इन सारे आइटम्स को प्रॉपरली स्प्रेड होना चाहिए, ऐसे ही है ना, दे शुड बी बिल्कुल स्प्रेड। इधर तक सर्च बार आए, फिर उसके साथ इधर बॉर्डर्स के साथ साथ ये आए, तो हम इधर जाएंगे इसमें वन पे जो भी हमारे आई इमेज है, इमेज को हम कह देते हैं फर्जी क्योंकि अभी इमेज पड़ा नहीं हुआ हुआ, तो इसको हम इमेज को दे देते हैं 100 पिक्सल। तो इमेज अभी आया नहीं है, तो अगर इमेज आए तो अच्छा, मैं उसे 100 पिक्सल दे दिया विड्थ, ठीक है? 100 पिक्सल की बजाय इसको ये 74 पिक्सल। मैंने कहा था कि वन के अंदर ये जितने भी आइकॉन्स हैं इसके अंदर मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लैक्स, ठीक है ना, कि फ्लैक्स के अंदर ये होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाते हैं फ्लैक्स के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज आ गया, फिर ये साइन इन आ गया, न्यूज़, ये सारे के सारे ए टैग्स हैं, ठीक है? ए टैग है, साइन इन, न्यूज़ का ए टैग है, स्पोर्ट का ए टैग है, वेदर का ए टैग है, आई प्लेयर है, रेडियो, मतलब ये सारे ए टैग हैं। अब ए टैग को ए टैग के अंदर मैं इसी तरह लिख लूँ बेशक, ठीक है, ये वाला ए टैग, और इसको अगर मैं बोलूँ कि इसको पैडिंग दे दे 20 पिक्सल, ठीक है? और ये हो गई इसकी वर्टिकल, हाँ, और हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल पैडिंग भी देनी है तो वो वर्टिकल पैडिंग नहीं ले रहा, चलो हम इसको फिर से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देते हैं। ये पैडिंग पड़ी, ये पैडिंग 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, हाँ जी पड़ी हुई है पैकिंग हाँ अब जीरो स्पेस जीरो पिक्सल जो है ना, ये इसको वर्टिकल ऊपर से और नीचे से ये 0 पिक्सल, और हॉरिजॉन्टली ये 20 पिक्सल पैडिंग दे ले रहा है, ठीक है? 20 पिक्सल। अगर मैं इन सब का राइट साइड पे एक बॉर्डर भी दे दूं, ताकि सॉरी बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उससे ये हुआ सारों के राइट साइड पे बॉर्डर भी आ गया, ठीक है? देखो बॉर्डर भी आ गया, मतलब ये स्पोर्ट्स के राइट साइड पे बॉर्डर आ गया, मोर के राइट साइड पे बॉर्डर आ गया। अभी जो सर्च किया गया इसको हम बाद में सेट करेंगे, अभी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर थोड़ी सी ना ऊपर से भी स्पेस आए, नीचे से भी स्पेस आए, तो वो मैं पूरे के पूरे वन वाला जो डब्बा है ना, वन ये वाला, ठीक है, डब्बा ये जो वन है
इसको मैं क्या करूँगा, वन को पैडिंग दे दूँगा वर्टिकल 20 पिक्सल और हॉरिजॉन्टल 0 पिक्सल, सही है? ठीक है, कैसे मैं पैडिंग एक दफा थोड़ा सा बताएं क्या होता है? हाँ पैडिंग ना अभी हमारे पास ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक सेकेंड, अभी ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है तो हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं। अच्छा पैडिंग बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल ये राइट न्यूज़ कॉलम है, राइट न्यूज़ कॉलम के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी जुड़ा हुआ है, ऊपर साइड ऊपर वाली साइड पे भी जुड़ा हुआ है, तो मैं राइट न्यूज़ कॉलम को अगर लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये आगे निकल आए तो मैं इसको पैडिंग लेफ्ट साइड से दे दूँगा, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक राइट न्यूज़ किधर है ये 3 राइट न्यूज़ ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है देखो लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है ना, समझ आ रही? तो जी आ रही है, मतलब अगर हमें मार्जिन एक तरह का देना तो इसके लिए हम पे मार्जिन नहीं यूज कर सकते? हाँ अब मार्जिन में और पैडिंग में फर्क है, ये देखो ये सबसे ऊपर हमारा मार्जिन है, जो भी हमारा एलिमेंट है ना पेज के ऊपर ड्रा हो रहा है उसके अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मैं ए टैग को पकड़ता हूँ, ठीक है ये साइन इन वाला, साइन इन वाले को देखो मार्जिन कोई मिला हुआ है, ये डैश डैश लगा हुआ है, ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये डैश, सबसे आउटर जो है वो मार्जिन है, मार्जिन के बाद बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद पैडिंग है, पैडिंग के बाद एलिमेंट की अपनी हाइट और विड्थ है। ठीक है तो ये एक CSS का कोर कॉन्सेप्ट है, इसको तुम्हें ज़ुबानी याद होना चाहिए कि ये क्या बात करना चाह रहा है, कि कोई भी एलिमेंट CSS के अंदर स्टार्ट करते हैं मार्जिन से, सबसे आउटर मोस्ट जो उसकी स्पेस होती है वो मार्जिन होता है, फिर उसके बाद आप उसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल मैंने अभी ए टैग को बॉर्डर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर राइट, अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँगा सिर्फ तो ये पूरे का पूरा डब्बा बन गया। ठीक है देखो अब अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ, सॉरी मार्जिन दे दो, मार्जिन भी 20 पिक्सल दे दो, अभी वो ज़्यादा हिल रहे हैं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगी। चलो साइन इन की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है साइन इन, मैंने साइन इन के ऊपर मैं देता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल। अब ये क्या हुआ है मार्जिन, देखो अब इसने 20 पिक्सल मार्जिन भी ले ली, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी ऊपर से भी नीचे से भी, तुमने इसको हाइट तो नहीं दी हुई वन को, वन को कोई हाइट तो नहीं दी हुई, मार्जिन ऑटो, अच्छा किधर है साइन इन, साइन इन के अंदर सबसे पहले हमारे पास मार्जिन है, ठीक है आउटर टॉप से मार्जिन है, राइट साइड से मार्जिन है, लेफ्ट साइड से मार्जिन है और बॉटम से मार्जिन है, देखो सबसे ठीक है साइन इन के ऊपर। इसको हम इस तरह करते हैं कि जो मैं तुम्हें पैडिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो मैं तुम्हें फिर एक तरीके से समझाता हूँ अलहदा से। अच्छा चलो साइन इन नज़र आ रहा है ना, साइन इन, साइन इन के देखो लेफ्ट और राइट साइड पे हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा, ऊपर बटन के नज़दीक देखो लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा येलो हुआ है, राइट साइड से भी थोड़ा सा येलो हुआ है, फिर इसको बॉर्डर मिला हुआ है 1 पिक्सल, बॉर्डर नज़र आ रहा है 1 पिक्सल। अगर मैं इसका बॉर्डर जो है वो इंक्रीज कर दूँ इसकी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इसकी बात करते हैं साइन इन की, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है अब देखो सबसे पहले मैंने मार्जिन दिया है इसको 20 पिक्सल, अगर मैं मार्जिन ख़त्म करता हूँ तो ये स्पेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है इसने लेफ्ट साइड से भी मार्जिन ले लिया, राइट साइड से भी मार्जिन ले लिया, टॉप से भी लेना चाहिए, बॉटम से भी लेना चाहिए, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टॉप और बॉटम से क्यों नहीं मार्जिन ले रहा, ये हम चेक करते हैं। ठीक है अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, टॉप से भी देखो ये टॉप पे भी 20 लिखा हुआ है, बॉटम पे भी 20 लिखा हुआ है, लेफ्ट पे भी 20 है, राइट पे भी 20 है, शायद इस वजह से नहीं ले रहा कि ये वन को हमने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं दिया हुआ, ब्लॉक भी दिया हुआ है, हाइट ऑटो भी दी हुई है, मार्जिन भी ऑटो दिया हुआ है, पैडिंग भी ऑटो। अच्छा
अच्छा हम साइन इन की बात करें, साइन इन को सबसे आउटर जो डब्बा बना हुआ है वो 20 पिक्सल है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से भी 20 पिक्सल है, राइट साइड से भी 20 पिक्सल है, टॉप से भी 20 पिक्सल है, बॉटम से भी 20 पिक्सल है। टॉप और बॉटम वाला अभी नज़र नहीं आ रहा, देर इज़ समथिंग रॉन्ग, इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल्सो कि हमारे पास साइन इन बटन के ऊपर भी 20 पिक्सल होना चाहिए, नीचे भी 20 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है ना। अब 20 पिक्सल के बाद ना हमारे पास बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्या है, 2 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर देखो हाईलाइट हो गया साइन इन बटन के आगे पीछे, ये इस बटन पे गौर करोगी ना तो इसमें ये जो बॉर्डर है ये भी हाईलाइट हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, तो ये बॉर्डर मेरा 2 पिक्सल हो गया। अब इसके बाद पैडिंग है 20 पिक्सल, सही है, मतलब लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल पैडिंग है। अगर मैं इसको यहाँ पर पैडिंग देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसने ऊपर और नीचे से ना पैडिंग ले लिया, देखो ऊपर भी 20 पिक्सल हो गया, लेफ्ट पे भी 20 पिक्सल, नीचे भी 20 पिक्सल, राइट पे भी 20 पिक्सल पैडिंग आ गई, सही है। तो मतलब बॉर्डर से बाहर मार्जिन है, बॉर्डर से अंदर पैडिंग है, और बॉर्डर बजाते खुद भी है। अब इसकी हाइट अपनी भी है, हाइट अगर मैं इसे देता हूँ 20 पिक्सल और 20 पिक्सल से ज़्यादा कर देता हूँ और डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा डिस्प्ले ब्लॉक मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये भी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये भी इन लाइन एलिमेंट है जिस वजह से वो अपनी लाइन के अंदर शो हो रहा है, तो मैं इसको ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। मैं हाइट ख़त्म करूँगा तो हाइट ख़त्म हो जाएगी, पैडिंग ख़त्म करूँगा पैडिंग ख़त्म हो जाएगी, मार्जिन ख़त्म करूँगा। अब देखो मार्जिन भी ये ले रहा है, मार्जिन ले रहा ना, ये देखो 20 पिक्सल मार्जिन ले रहा है साइन इन एलिमेंट, सही है। सबसे आउटर जो बॉर्डर बना हुआ है हाईलाइट है वो 20 पिक्सल है, फिर बॉर्डर है 2 पिक्सल का। अगर मैं बॉर्डर को भी 20 पिक्सल कर दूँ तो बॉर्डर भी मेरा 20 पिक्सल का हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर का। फिर उसके बाद पैडिंग है 20 पिक्सल की, नज़र आ रहा है पैडिंग 20 पिक्सल। फिर उसके बाद हाइट है इसकी 39 पिक्सल, ये 880 बाय 39, 880 इसकी नहीं, इसने खुद बहुत ही विड्थ ले ली है क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड हुआ होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट एज से लेके राइट एज तक ब्लॉक एलिमेंट, तो उसने खुद बहुत हाई विड्थ पूरी की पूरी पेज की ले ली है 880 पिक्सल और हाइट उसने ले लिया 39 पिक्सल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर, आपको मार्जिन पता होना चाहिए, बॉर्डर पता होना चाहिए, पैडिंग पता होनी चाहिए और फिर बजाते खुद एलिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो मतलब अभी हम अगर हायरार्की में स्टार्ट करें, मार्जिन से स्टार्ट किया, बॉर्डर आया, पैडिंग आई और फिर एलिमेंट आ गया। इसको बेशक किसी जगह पर रफ ड्रॉ करके अपने पास रख लो एज अ कॉन्सेप्ट ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी एलिमेंट को पैडिंग दे रहा हूँ तो वो एलिमेंट बजाते खुद मोटा हो रहा है, लेकिन अगर मैं उस एलिमेंट को मार्जिन दे रहा हूँ तो वो लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी सी स्पेस कर रहा है क्रिएट, ठीक है। मतलब अगर किसी को खाना खिलाओ तो वो बंदा पैडिंग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन अगर उस बंदे को आइसोलेट करो तो उस बंदे की और आपके दरमियान में स्पेस आ जाएगी, बंदा उतने का पतला ही रहेगा लेकिन उसके और आपके दरमियान मार्जिन आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और बॉर्डर जो है वो दरमियान में पैडिंग और मार्जिन के दरमियान एक और जो एलिमेंट का अपना बॉर्डर है, ठीक है, ये वो बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब बॉर्डर है जी, एलिमेंट जो बॉर्डर, अब बॉर्डर से बाहर जो चीज़ होगी मार्जिन होगी, बॉर्डर से अंदर जो होगी वो पैडिंग होगी, ठीक है, ठीक, समझ आ गई या नहीं समझ आई। हाँ अब मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ से ख़त्म करूँ, अगर हाइट भी मैं इसकी ख़त्म करूँ, पैडिंग भी ख़त्म करूँ, बॉर्डर भी ख़त्म करूँ, मार्जिन भी ख़त्म करूँ, ये खुद ब खुद साथ जाके जुड़ के ला के। अब जब मैं ए टैग को पैडिंग देता हूँ 0 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है, ये पूरे के पूरे ये सारे ए टैग्स हैं, साइन इन भी ए टैग है, न्यूज़ भी ए टैग है, स्पोर्ट्स भी ए टैग है, वेदर भी ए टैग है, मैं इन सब को जैसे ही पैडिंग 0 पिक्सल और 20 पिक्सल देता हूँ तो टॉप और बॉटम से वो पैडिंग 0 ही रहती है लेकिन लेफ्ट और राइट से वो 20 पिक्सल हो जाती है, ठीक है ना, ठीक, सब के सब एलिमेंट खुद बहुत मोटे हो गए। अब अगर मैं इनको मार्जिन दूँ ना तो मार्जिन भी ठीक काम करेगा, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, सही है ना, मार्जिन भी हमारा काम ठीक करेगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको मार्जिन भी एक दफ़ा लगा के दिखा दूँ, मार्जिन 0 और 20 पिक्सल, मार्जिन भी हमारा उसी तरह ही आएगा, लेकिन जब मैं मार्जिन के ऊपर बॉर्डर दूंगा ना ये बॉर्डर बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ लगेगा, चिपका हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है,
देखें चिपके हुए बॉर्डर आ गए सारे के सारे, क्योंकि इसने साइडों से बॉर्डर, साइडों से मार्जिन ले लिया, अंदर से उसकी मोटाई क्रिएट नहीं की। मैं चाह रहा था मोटा हो, तो मोटा करने के लिए मुझे इसको एलिमेंट को मोटा करना पड़ेगा, यानी बॉर्डर के अंदर वाली जगह को पैडिंग, यानी बॉर्डर के अंदर जो चीज़ है उसको मोटा करने के लिए पैडिंग देनी पड़ेगी। सही है ना? ठीक। वो खुद बखुद ही एलिमेंट मेरा मोटा हो गया, पैडिंग 0 पिक्सल 20 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर नजर आए, राइट वाला बॉर्डर, क्योंकि नीचे तस्वीर में देखो बीबीसी वाली में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर बॉर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, राइट साइड। तो राइट साइड वाला बॉर्डर नहीं, पहले हम इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ हाइट हो ताकि ऊपर से और नीचे से इसे थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिले, नेविगेशन बिल्कुल चिपकी हुई है पेज के साथ। तो अभी हम नैव बार के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसकी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी मोटाई ठीक करने के लिए इसको हाइट देंगे, ठीक है। हाइट मैं इसको दे देता हूँ 20। अच्छा, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक हाइट 20 पिक्सल। अच्छा, अगर डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक मैंने कर दिया ना, तो अब जब मैं इसको दूंगा ना पैडिंग 5 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो ये ऊपर से 5 पिक्सल ले रहा है और साइडों से 20 पिक्सल ले रहा है, ठीक है। इन लाइन ब्लॉक मैंने इसलिए दिया क्योंकि ए टैग बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट नहीं था, ये अपनी हाइट जब मैं इसे दे रहा था इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जब मैं इसको पैडिंग दे रहा था टॉप और बॉटम पे इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो किसी एलिमेंट को अगर हमने हाइट पे फ़र्क ना पड़ रहा हो, उसकी उस एलिमेंट को अगर हम पैडिंग दे रहे हो फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो सबसे सिंपल सोल्यूशन है उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें। लेकिन जब पूरे ब्लॉक में कन्वर्ट करो वो पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन मुझे चाहिए इन लाइन ब्लॉक, तो मैंने इसलिए उस एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक में, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरे पास देखो पैडिंग मेरे पास आ गई, पैडिंग तो मैं समझ आ गई है, बॉर्डर तो मैं समझ आ गई है, डिस्प्ले समझ आ गया मैंने इन लाइन ब्लॉक क्यों दिया। अब बॉर्डर पूरे पेज के ऊपर फैले हुए हैं, देखो मुझे सारे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। ये इसको हम बॉर्डर राइट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली तीनों बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ राइट वाले बॉर्डर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वो ऐसे ही लगेगा जैसे इसके अंदर नज़र आ रहा है हमें तस्वीर के अंदर, ठीक है। अब सर्च वाला बार जो है ये मेरा पूरे पेज पे यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड होना चाहिए जिस तरह इसके अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें पेज के ऊपर पूरा नज़र आना चाहिए, बट वो हमें पूरा नज़र नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च नज़र आए पूरा, तो मैं इसको इनपुट टेक्स्ट है इसको मैं बोलूँगा अभी ना ये जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना हमारे, ये देखो वन बॉक्स के अंदर ये जो नैव बार है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे बीबीसी है, ये एलिमेंट्स है और ये सर्च है, इन तमाम एलिमेंट्स को मैं चाहता हूँ कि जो सर्च वाला एलिमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैल जाए। तो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लेक्स ग्रो, याद है, फ्लेक्स ग्रो इक्वल वन। तो मैं जब इनपुट के ऊपर फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ, फ्लेक्स ग्रो वन, अब इसे फ़र्क कोई नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जिस जिस ब्लॉक के अंदर ये पड़ा हुआ है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, वो फ्लेक्स नहीं है। फ्लेक्स ग्रो वन तब काम करेगा जब इसका पेरेंट एलिमेंट जिसमें ये खुद पड़ा हुआ है वन, वो डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये पूरे का पूरा फैलेगा, ठीक है, पूरे का पूरा देखो फैल गया इधर से लेके इधर तक पूरा फैल। लेकिन अगर मैं इसको, यानी जो वन है वन को अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करूँगा तो ये पूरा नहीं फैलेगा, समझ आ रही है, जी ठीक हो गया ना। तो मतलब अगर हम डिस्प्ले को फ्लेक्स करें तो ऑटोमेटिकली ये पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड हो जाता है जितनी उसकी स्पेस है, ठीक है। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन लगे हुए हैं, ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन, जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं वो तमाम मार्जिन को भी नलीफाई कर देता है, सही हो गया। अब अगर मैं जो नीचे ए टैग हैं इन ए टैग के ऊपर बॉर्डर राइट कर दूं, ठीक है, बॉर्डर राइट, तो खुद ब खुद हमारे सारे बॉर्डर राइट नज़र आना शुरू हो गए, सिर्फ इधर हमारा इमेज ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ पे हमारा सर्च वाला आ जाएगा, सही हो गया, ठीक। तो मैं ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इतना ही हम करें,
जो तुम्हें ना इजीली तुम अंडरस्टैंड कर सको हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर तुम सिर्फ आज ये कर लो ना कि फ्लैक्स लगा लो, वन को फ्लैक्स लगा लो, नीचे एलिमेंट्स को पैडिंग और मार्जिन दे लो, और इन सारों को, और सर्च का इधर बार लगा दो, इधर आइकॉन प्लेस कर दो जो मैंने डाउनलोड किए हैं, ये किस तरह डाउनलोड किए हैं, उन जगहों से जाके ड्रॉप डाउन भी डाउनलोड कर लो, इन जगहों पर इमेजेस प्लेस कर दो। तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड प्रोग्रेस फॉर टुडे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ तो बताओ, मैं आगे भी बढ़ा देता हूँ। कासिम भाई, मुझे ना ये जो आपका ऊपर नेविगेशन बार है ना, इस बार में एक इमेज प्लेस करना बता दें, अच्छा, मतलब इमेज, प्रॉपर एडजस्ट हाँ, करके। अच्छा अब इमेज जो है ना, इमेज किधर, सोर्स, देखता हूँ मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। कोई भी लगा दें। हाँ वही है। मैंने इसमें bbc forward slash .png शायद चल जाए अगर मैं जैसे इसी तरह करता हूँ। अच्छा अब इमेज नज़र आ रहा है इसके अंदर। मैंने मैंने सोर्स में ना अपने वो तो डायरेक्टरी में इमेज रखा है। अब मैं इस इमेज को साइज में थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक है, ताकि ओए होए मेरा सारे का सारा हिल गया, कोई मसला नहीं है, मैं इसको जल्दी से दोबारा सेट कर लेता हूँ। मैंने वन को कहा था कि ये डिस्प्ले हमारा फ्लैक्स है, क्योंकि जब हम इसके अंदर कर रहे थे तो वो इजीली इमेज हम इनपुट हमारा फ्लैक्स ग्रो वन करूँ तो पूरे पेज के ऊपर फैल जाए, पूरे पेज के ऊपर फैल गया। अब मैंने कहा था कि ए जो है हमारा टैग, ए वाला टैग, जैसे मैं ए टैग को सिर्फ अगर चेंज करूँ तो मैंने कहा था इसको मैं डिस्प्ले दे देता हूँ इन लाइन ब्लॉक, और इसको पैडिंग दे देता हूँ 0 20 पिक्सल, और टॉप से 5 पिक्सल थी और हॉरिजॉन्टली इसकी 20 पिक्सल थी, और इसको बॉर्डर मैंने कहा था बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा अब मेरे पास इमेज जो है वो इतना मोटा हो गया कि वो बुरा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इस इमेज की विड्थ को, सिर्फ इमेज की विड्थ को कम करो ना तो इमेज खुद ब खुद ठीक हो जाता, ठीक है। मैंने अब इमेज की विड्थ को कम किया, इमेज खुद ब खुद देखो कम हो गया, ठीक है। अब BBC भी आ गया, साइन इन भी आ गया, न्यूज़ भी आ गया, ये भी आ गया। तो अभी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट इसके ऊपर अलाइन होके नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये देखो BBC भी आ गया, साइन इन भी आ गया। अब तुमने यहाँ पर इसको सर्च बार प्लेस करना है, इस जगह पर तुमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन प्लेस करना है, यहाँ पर एक बेल का आइकॉन प्लेस करना है, तो ये सारे काम करने वाले हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है। ठीक है कासिम भाई, ये जो मोर के बाद ड्रॉप डाउन है, हाँ, अगर इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो दो ऑप्शन आते हैं ना। हाँ वो हम बाद में करेंगे, वो जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट है, जेक्वेरी है, वो फिर बाद में करोगी, पहले सिर्फ और सिर्फ, हाँ पहले सिर्फ ये देखो कि स्टैटिक एलिमेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, अभी हम स्टैटिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है अच्छा, और कासिम भाई देखिए जो BBC के साथ थोड़ी सी स्पेस है ना, हाँ इसको ये स्पेस हमारी, को, हाँ ये हमारी ये व्हाइट वाली स्पेस है, जो पेज पे व्हाइट वाली स्पेस है, ये लाइट ब्लू से गलत थी। कौन सी, ये वाली, ये जो पेज नहीं, ये जो पेज का लेआउट हमने सेंटर में ड्रॉ किया था ना, हाँ तो ये इसके साथ जो व्हाइट सी स्पेस नजर आ रही है, जो इसके अंदर बीबीसी के अंदर नजर आ रही है व्हाइट स्पेस, नहीं कासिम भाई ये जो पेज के बाहर नजर आ रही ये है वाली, ये वाली जो स्पेस है, जी जी हाँ जी ये वाली, ये हमने मार्जिन ऑटो किया ना, वन को मार्जिन ऑटो किया, ठीक है। वन को मार्जिन ऑटो खत्म करूंगा, वन की विड्थ को मैं 100% करूंगा, वो पूरे पेज पे फैल जाएगा, नजर आ रहा है पूरे पेज पे फैल जाएगा,
मैंने जैसे इसकी विड्थ 1000 पिक्सल की, वो यहाँ से उठ के इधर आ गया। अब मैं इसको मार्जिन ऑटो किया, खुद ब खुद सेंटर पे आ गया। लेकिन ये जो वाइट स्पेस है, ये है क्या बेसिकली? ये जो वाइट स्पेस है ना, ये खाली है बिल्कुल। ये पेज के ऊपर उसने अपने आप को सेंटरली प्लेस कर दिया। जैसे पावर पॉइंट के अंदर हम ये नहीं कहते टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जी, वो खुद ब खुद पेज के बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट कितना सारा कुछ लिखा आ जाता है। तो ये भी वाइट स्पेस है, बॉडी है, बॉडी है पूरी की पूरी, ठीक है। उस बॉडी के अंदर ये सारे का सारा प्रिंट हुआ हुआ है। बॉडी के अंदर देखो, सबसे सबसे ऊपर हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 9 है। तो ये बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्स ड्रॉ हुए हैं। अब जो बॉडी के अंदर मैंने एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, उन सबको मैंने कहा है कि उनकी विड्थ मैक्सिमम 1000 पिक्सल है, और जब उसको मार्जिन ऑटो करो तो वो खुद ब खुद सेंटर लाइन हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबको मैक्सिमम जो विड्थ है वो आप 1000 पिक्सल दें, और उसकी मार्जिन ऑटो करें ताकि वो अपने आप को सेंटर अलाइन कर लें। तो वो सारे के सारे एलिमेंट सेंटर अलाइन हो गए, सही है ना। 1 भी सेंटर अलाइन हो गया बॉडी के साथ, 2 भी सेंटर अलाइन हो गया, 3 भी सेंटर अलाइन हो गया, 9 भी सेंटर अलाइन हो गया। तो ये मैंने उसके अंदर जैसी सेंटर अलाइन करना है, तो सेंटर अलाइन करने के लिए मार्जिन ऑटो दे दो और विड्थ 1000 पिक्सल दे दो, ठीक है। अब विड्थ अगर मैं इसकी ख़त्म करता हूँ, फुटर पूरा फैल जाता है, मार्जिन ऑटो ख़त्म करता हूँ तो फुटर लेफ्ट साइड पे चला जाता है बॉडी के, ठीक है। अगर मैं मार्जिन मार्जिन लेफ्ट ऑटो करता हूँ तो वो ये वाली राइट साइड पे चला जाता है, ठीक। तो मार्जिन ऑटो का मतलब ये है कि मार्जिन राइट भी ऑटो है, मार्जिन लेफ्ट भी ऑटो है, तो वो दोनों साइडों से अपने आप को धक्का देता है तो वो सेंटर पे आ जाता है। अगर मैं बोलूँ कि मार्जिन राइट ऑटो है, तो वो राइट साइड से इसने अपने आप को स्ट्रेच कर दिया, लेकिन अगर मैं दोनों को करूँ तो वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। यानी इसने इधर लेफ्ट साइड से भी धक्का दे रहा है, राइट साइड से भी धक्का दे रहा है, तो अपने आप को उसने सेंटर पे प्लेस कर दी, ठीक हो गया ना। अच्छा, और बताओ और क्या चीज़ कंफ्यूजिंग है? और जो साइन इन के लेफ्ट साइड पे वो भी उठेगा बेल वाला भी, हमने पूरी वेबसाइट ड्रॉ कर ली है। अब हमारा मेन जो प्रोजेक्ट था वो क्लोज हो गया, यानी जो सबसे बड़ा काम था वो हमने कर लिया, एलिमेंट्स को किधर किधर रखना है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने एक एक डिव के ऊपर फोकस करना है और एलिमेंट्स ड्रॉ करते जाना, ठीक है ना, समझ आ रही है? तो हाँ, सिर्फ अभी ऐसा ये करो, जो अभी तुम बनाओगी ना उसको सेव करके साइड पे रख लो, एक उसको लिख दो कि दिस इज़ माय रूट फाइल, ताकि जब फ्यूचर में तुम सिर्फ लेफ्ट न्यूज़ कॉलम के ऊपर काम कर रही होगी इस ब्लू वाले के ऊपर, तो तुम्हारे पास इसके ऊपर भी बहुत सारा डाटा पड़ा होगा, इस पर भी डाटा पड़ा होगा, इस पर भी डाटा पड़ा होगा, इस पर भी डाटा पड़ा होगा, तो सिर्फ लेफ्ट न्यूज़ कॉलम के ऊपर काम करना थोड़ा तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। तो तुम इसको फिर ऐसे करो, रूट फाइल के नाम से सेव कर लो, ताकि जब तुम लेफ्ट न्यूज़ कॉलम के ऊपर काम करो ना कल को, या बिग ब्लॉक के ऊपर काम करो, तो ये बाकी चीज़ें तुम्हारी खाली हों, सिर्फ और सिर्फ बिग ब्लॉक को ही तुम एडजस्ट कर दी हो। जब बिग ब्लॉक ठीक हो जाता है, वो वाला वहाँ से हम कोड कॉपी करेंगे जो तुम्हारी मेन फाइल होगी उसमें पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह रूट फाइल के अंदर हम राइट न्यूज़ कॉलम को प्रिपेयर करेंगे, वो जब रेडी हो जाएगा उसको मेन फाइल में प्लेस कर देंगे। लेफ्ट न्यूज़ कॉलम जब तैयार हो जाएगा तो इसको हम, जैसे ट्रेन के ब्लॉक्स होते हैं तो पूरी ट्रेन एक साथ तो नहीं बनती, पहले उसका एक डब्बा बनता है, फिर दूसरा डब्बा बनता है, फिर तीसरा डब्बा बनता है, फिर जब रेलवे लाइन के ऊपर आता है सारे हम एक दूसरे के पीछे खड़े करके रख देते हैं, तो वो ट्रेन देखने वाले को बहुत बड़ी चीज़ लगती है। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ बनानी है हमने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर से बनानी है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। और कासिम भाई, ये जो नेविगेशन बार है, हाँ, इसकी देखें अगर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा करनी हो तो नेविगेशन की, मतलब अगर तुम कह रही हो कि ये और ज़्यादा हाइट हो जाए, तो अभी अभी मैंने, हाँ अभी अभी देखो, इसके अंदर ए टैग को मैंने ऊपर से भी 5 पिक्सल दिया हुआ है, नीचे से भी 5 पिक्सल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल है, राइट साइड से 20 पिक्सल है। तो अभी जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया ना, तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, उस हिसाब से इसने अपनी हाइट एडजस्ट कर ली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ए वाले टैग्स को बड़ा कर दो थोड़ा सा, ए टैग्स को मैं इसकी जो टॉप बॉटम विड्थ है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक ठीक है। मैंने इसको पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, अब ये जो विड्थ है इसको मैं इस तरह सेट करूँ ताकि वो देखने वाले को अच्छा लगे, स्ट्रेच ख़राब ना हो इसका, ठीक है।
अभी ये थोड़ा सा, अब अगर तुम चाहती हो कि इसकी विड्थ और अब ये मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ ऑटो रहे लेकिन हाइट इसकी 20 पिक्सल रहे ताकि ये स्ट्रेच ना हो, लेकिन अब ये सेंटर पे नहीं है, साइन इन तो नीचे आ रहा है लेकिन बीबीसी भी तो नीचे आना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, ऐसे ही है ना, तो वो बुरा लग रहा है। तो इसको फिलहाल मैं अगर मैं इस तरह करूँ तो उससे ये होगा कि हमारे जो ये बॉर्डर है ना इनके साथ ये स्टाइल मैच कर जाएगा। लेकिन अगर तुम कहती हो कि नहीं बॉर्डर जो है वो मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉर्डर के साथ मैच करे, ये सेंटर पे होना चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, लाइन आइटम्स सेंटर करूँगा ना वन के अंदर, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो देखो सर्च वाला भी सेंटर पे चला गया, बीबीसी वाला भी सेंटर पे चला गया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर खुद ब खुद वो ऊपर से भी नीचे से भी, जो इसकी हॉरिजॉन्ट जो इसकी वर्टिकली सेंटर स्पेस निकल रही थी उसके ऊपर इसने अपने आप को प्लेस। लेकिन अब ये बॉर्डर जो हैं ये बहुत बड़े हो गए हैं, सही है, ये बॉर्डर जो हैं बीबीसी के टॉप और बॉटम के साथ मैच करने चाहिए, तो इसका मतलब है ए को मैंने पैडिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो मैं ए की पैडिंग थोड़ी सी कम करता हूँ, ठीक है, और डिस्प्ले वन वाले को जो वन क्लास वन वाला ब्लॉक है इसकी मैं थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टली पैडिंग में 0 ही रहने देता हूँ, लेकिन टॉप डाउन की बॉटिंग पैडिंग जो सॉरी वर्टिकल पैडिंग इसकी मैं अब वर्टिकल पैडिंग इसकी मैं कम करूँगा तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, अभी देखो हाइट बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या मतलब है, डिस्प्ले वन के अंदर जब मैंने इसको पैडिंग दी तो इसने ऊपर और नीचे 10 पिक्सल स्पेस क्रिएट कर दिया और फिर एलिमेंट्स को अपने अंदर बिठाया है, ठीक है, मतलब जो पेरेंट एलिमेंट वन है उसके अंदर टॉप और बॉटम से मैंने उसको 10 पिक्सल दे दिया कि टॉप और बॉटम 10 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट पे 0, मतलब ये वन जो है ना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डब्बा है, मैंने कहा इस डब्बे के अंदर पैडिंग दे दो, मतलब इस डब्बे को मोटा कर दो, मतलब ऊपर और नीचे से मोटा करके 10 पिक्सल, अगर मैं लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल देता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड से भी बाहर निकल गया, इधर से भी बाहर निकल गया, इधर से भी बाहर निकल गया, नज़र आ रहा है ना, ठीक, तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट राइट से ना निकले, मतलब हॉरिजॉन्टली ना ख़राब हो, सिर्फ वर्टिकली अपनी अपने आप को मोटा कर ले, अगर मैं वर्टिकली इसको छोटा सा पतला करना चाहता हूँ पतला हो जाएगा। अब सर्च बार जो है ये बिल्कुल इसकी भी हाइट इतनी ही होनी चाहिए जितनी इसकी है, तो हाइट इसकी मैं अगर ऑटो करूँ हाइट इसकी फिर मैनुअली एडजस्ट कर देता हूँ सर्च बार की हाइट कितनी होनी चाहिए कि बिल्कुल उसके साथ बैठ जाए, ठीक है, अब इसके साथ बैठ गया, अब बुरा नहीं लग रहा, सही, अब सर्च बार के साइडों पे बॉर्डर बना हुआ है वो भी बुरा लग रहा है, तो मैं इसके बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट हो गया, ख़त्म हो गया बॉर्डर, सही है ना, तो मतलब ये अब सारी चीज़ें वो हैं जो शशके हैं, जो जो तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है, पैडिंग तुम्हें पता है क्या चीज़ है, मार्जिन तुम्हें पता है क्या चीज़ है, बॉर्डर तुम्हें पता है क्या चीज़ है, तुम्हें पता है डिस्प्ले फ्लेक्स क्या चीज़ है, तुम्हें पता है जस्टिफाई अलाइन आइटम्स सेंटर क्या चीज़ है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, ताकि वो अपने आप को हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, ये अब मैं ज़्यादा चीज़ें बढ़ता जा रहा हूँ ना तो तुम्हारे लिए कन्फ्यूजिंग होता जा रहा है, जब तुम इसको खुद करोगी ना एक दफ़ा ये सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर ड्रॉ करोगी और डिस्प्ले फ्लैक्स भी दोगी और इसको तुम बोलोगी फ्लैक्स ग्रो वन हो जाए, बीबीसी का इमेज खुद प्लेस करोगी, फिर इधर बेल का इमेज थोड़ा मोटा हो जाएगा उसको छोटा करना होगा, तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर वो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा कुछ जगहों के ऊपर वो, फिर तुम नोट कर लेना, फिर सुबह हम उसको हल करेंगे, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर हमसे आज नैब बार नहीं होता हम 2-3 दिन लगा लेंगे, 4 दिन लगा लेंगे, लेकिन हम पहले पैडिंग को मार्जिन को बॉर्डर को फ्लैक्स को इन सारी चीज़ों को समझ के फिर आगे चलेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक तो हाँ ये वाला है। अच्छा कौन, एक वो क्वेश्चन है कासिम भाई, अगर फॉर एग्जांपल हाँ अगर कोई इमेज जो है ना हमने फॉर एग्जांपल ठीक है वेदर और आई प्लेयर के दरमियान प्लेस करना है, ठीक किसके है, किसके दरमियान प्लेस करना है, कोई भी इमेज है ना हमने वेदर और आई प्लेयर के दरमियान में प्लेस करना है, फर्ज करिए ठीक है बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है बॉर्डर्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इसने साइन इन से पहले जो एक इमेज प्लेस किया हुआ है हाँ तो छोटा सा हाँ ठीक है,
अगर वो वाला इमेज प्लेस करना है ठीक है, तो वो हाँ वाला इमेज जो है उससे पहले देखें बॉर्डर है तो तुमने वो साइन इन के साथ ही प्लेस कर देना, मतलब ये ए टैग है ना जहाँ पर, जी। ये देखो ए टैग है, ए टैग के अंदर जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है इसके पीछे इधर इमेज टैग आ जाएगा, इमेज ठीक है ठीक सोर्स इस तरह यहाँ पे वो इमेज टैग आ जाएगा, फिर उसके बाद साइन इन आएगा, ठीक है ना। सेम अगर ठीक है सेम अगर वेदर और आई प्लेयर के दरमियान है तो वेदर और आई प्लेयर के बाद या वेदर के बाद आ जाएगा। हाँ अगर वेदर के बाद, वेदर के बाद इमेज है, वेदर के बाद तो है नहीं है, लेकिन अगर नहीं वेदर वाले बटन के अंदर है, मतलब वेदर वाले बॉर्डर्स के दरमियान में है, ठीक है, तो फिर वेदर वाले के अंदर ही रख लो इस जगह के आगे, इधर इधर इमेज आगे ड्रा कर लो, ठीक है, इस ठीक जगह के बाद, इस जगह के बाद इमेज रख लो, सही है ना, ठीक मतलब या इस जगह है। पर, और इस जगह पर इमेज प्लेस कर दो वेदर से पहले, अगर वेदर के बाद आ तो राइट साइड पर प्लेस कर दो इस जगह पर, ठीक है। और बताओ, एक चीज और कासिम भाई, ये देखें ये जो बीबीसी का लोगो है ना और सर्च वाला बार है, हाँ वो सर्च वाले बार के साथ बीबीसी के लोगो के साथ जो थोड़ा सा स्पेस है हाँ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे तुम कह रही हो थोड़ा सा स्पेस है, जी। मतलब बीबीसी के और सर्च वाले बार के दरमियान, अब ये तुमने खुद, तुम्हारी असाइनमेंट है, तुमने ये स्पेस खुद जनरेट करनी है, कैसे करोगी, अब यू शुड नो इट, मैंने तुम्हें पैडिंग भी पढ़ा दिया है, मार्जिन भी पढ़ा दिया है, तो जब करोगी तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है, ये तुमने खुद करना है, जब खुद करोगी ना ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे समझ आया, यानी मैं अभी इसको इधर कर दूंगा फ़ौरन, दो जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हें बनाया बनाया मिल जाएगा, फिर उसका तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, सही। हाँ और बताओ और क्या, बस ठीक है काफी। ठीक है ना, मतलब इधर और हम कैसे मैं इमेज प्लेस कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन प्लेस कर सकते हैं, जैसे दिल करता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ और कासिम भाई इसका मुझे बता दें कहाँ तक करना है आज। आज सर तुमने ये नैव बार को सेट करना है, इसके अंदर सारे इमेजेस ड्रा करने हैं, जिस तरह बीबीसी के अंदर ड्रा हुए हैं, बेल्ट आइकॉन ड्रा करना है, कैसे हमने इसके अंदर, अब नीचे जो हमारे आइकॉन्स हैं वो मैंने मटेरियल से जाके सेव किए, और दीज आर एसवीजी आइकॉन्स, ठीक है जी। अब एसवीजी आइकॉन्स जो होते हैं वो जिस ये डॉट पीएनजी है ना, ये देखो ये डॉट पीएनजी है, किधर है, ये बीबीसी डॉट पीएनजी है, जो एसवीजी आइकॉन होगा वो बीबीसी डॉट एसवीजी हो जाएगा, SVG, VG, सीरा विक्टर, हाँ सीरा विक्टर बॉल्स, तो हम उसको डॉट SVG के नाम से सेव करेंगे, उसको भी विड्थ देंगे तो थोड़ी सी, अगर विड्थ से वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया तो विड्थ ऑटो दे देंगे, हाइट थोड़ी सी दे देंगे, ठीक है, तो वो SVG के सामने सोर्स देना है, इमेज सोर्स उसी तरह ही SVG सेव करके ना, SVG उधर ही डालना है, तो उसको SVG का होता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, ये पिक्सल नहीं टूटते इनके, और डेवलपमेंट के अंदर सारे लोग कोशिश यही करते हैं SVG यूज़ करें, PNG बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। हाँ और दो बस बस यही काम है। अच्छा ठीक तो बस इसको क्लोज करो, फिर अगर ये वाला हो जाता है तो मुझे तस्वीर भेजो, और नीचे न्यूज़ वाला बार बना हुआ है, ठीक है, जो नीचे हम बिग ब्लॉक है, इसके ऊपर तुम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करो, अगर नहीं, अगर ये हो जाता ना आज, सिर्फ यही करो बस, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना, सिर्फ इसके ऊपर ठीक है। फोकस करो, मैं इसको ये ठीक। वाली जो नेव बार की फाइल है ना ठीक है, ये सही करके ना मतलब सेव करके ना अगर हो सका या मैं ट्राई कर लूंगी एक बार न्यूज़ बार की, तो जो मसले हुए प्रोजेक्ट में आपसे कल डिस्कस करूंगी हाँ ठीक हो गया, सेव करो ना बस अपने पास, मैं तो मैं नहीं भेज रहा ये सारा, मैंने देखो गूगल क्रोम के अंदर ही लिखा हुआ है, ये अभी मैं रिफ्रेश करूँगा सारा डिलीट हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें ये वीडियो बनाता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, फिर तुम्हें लिंक भेज देता हूँ, तो तुम वीडियो से भी देख के जो भी समझ अगर प्रॉब्लम होती है मुझे बताना, सुबह फिर इसको हल कर